यस, गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी बच्चे? तो आइएगा बेटे फटाफट एक बार लाइव। और आपके लिए आज फिर एक नई खुशखबरी, एक नया मोटिवेशन फैक्टर। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइएगा जल्दी से। और आज बेटे आप सबके लिए एक बहुत ही जी अनीता चौधरी जी, अनीता चौधरी भी आ गई हैं। अनीता चौधरी ये सोच रही है कि मेरा नाम कब लेंगे सर। तो देखो बेटे, इकोनॉमिक्स पीजीटी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आ चुका, साउंड क्लियर है? देखना साउंड एक बार चेक करना। तो मेरे बच्चे पीजीटी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आ चुका जी, बिल्कुल। और फिर हमने पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मेरे बच्चे पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे बच्चों ने फिर कर दिया धमाका। और पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिजल्ट आया मेरे बच्चे, बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट आया। तो आइए बच्चे, आज उन बच्चों को हम लोग मोटिवेट करेंगे जिन बच्चों ने पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर सिलेक्शन लिया जी। अनीता थैंक यू। और अनीता, मैंने आप सभी को बताया था एक बच्चे का नाम, कि उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिजल्ट में लेने वाला हूँ। तो उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया, नमिता सोलंकी। हाँ बिल्कुल, तो मेरे बच्चे नमिता सोलंकी का भी सिलेक्शन हो गया, सिलेक्ट हो गई। और मैं आप सभी को बताऊं जी, तो ये आप सभी का बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे मैक्सिमम बच्चों का मेरे बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन यूरेका से हुआ। तो देखिएगा मेरे बच्चे, मैं एक चीज़ छोटी सी समझाऊँ आपको इसके अंदर, आप देखिएगा। आज आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ बच्चे बिना, तो देखिएगा मेरे बच्चे आज का रिजल्ट पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो, ये क्या कर दिया इसने, कैसे बनाया है? अच्छा, अरे यार ये क्यों बना दिया? तो आज मेरे बच्चे मैं बताऊंगा रिजल्ट पीजीटी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट, आप लोग देखिए ये क्या कर दिया इसने। देखिए मेरे बच्चे पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहला स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है मेरे बच्चे रुचिका शर्मा। इनका सिलेक्शन पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर हो चुका है। और जैसा आप देख पा रहे होंगे बेटे, अनरिजर्व कैटेगरीज का कट ऑफ था 175.676। और इस बच्चे ने धमाका करते हुए स्कोर लाया, इस बच्चे का स्कोर है 195.20। सोचिए मेरे बच्चे, एक पीजीटी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में इतना मार्क्स स्कोर करना, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मोटिवेटिंग फैक्टर्स डालेंगे। तो ये हमारी स्टूडेंट रुचिका शर्मा है जो ऑनलाइन की स्टूडेंट हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो शायद रुचिका शर्मा भी देख रही होंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका शर्मा जी आपको कि आपने
यूरेका में इतना अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया है। एक दूसरे स्टूडेंट को मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे आएगा ना, अरे यही है दूसरा, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए मेरे बच्चे। ये है नमिता सोलंकी, नमिता कुमारी नाम है इनका, सोलंकी के नाम से जाने जाते हैं, नमिता कुमारी है। इनका भी सिलेक्शन 165.40 इनका स्कोर है। तो आप लोग इसको नमिता सोलंकी, आप इसको नमिता सोलंकी के नाम से जानते हैं। इनका भी सिलेक्शन हो चुका, ये भी शॉर्टलिस्टेड हो गई जी। फिर आइएगा मेरे बच्चे, एक तीसरा रिजल्ट देखिए, तीसरे बच्चे का रिजल्ट। ये पीडीएफ क्यों बना दिया यार, अब नीचे नहीं जाना, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ये क्या कर दिया इसने, किधर से? अब आइएगा मेरे बच्चे, ये इसको पीडीएफ क्यों बना दिया यार। चलिएगा बेटा, एक और देखिएगा, इनका नाम है किरण, एक हमारे स्टूडेंट किरण है। तो ये थर्ड स्टूडेंट है, तीसरा स्टूडेंट हो गया किरण, इसका भी सिलेक्शन हो चुका है, किरण भी सिलेक्ट हो गई है, यहाँ से भी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा मेरे बच्चे, किरण के बाद एक और बच्चे से मैं मिलवाता हूँ, किरण के बाद एक और बच्चे से मिलवाता हूँ, इनका नाम है ज्योति, इनका नाम है ज्योति, ये भी सिलेक्ट हो गई, इनका भी सिलेक्शन हो गया। ज्योति के बाद मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, ये देखिए इस बच्चे से मिलो, ये हमारी फातिमा, जिसको हमने पीआरटी में भी सिलेक्शन करवाया था, पीआरटी में भी ये सिलेक्ट हो गई थी। और ये है फातिमा, फातिमा का बेटे ओबीसी कैटेगरीज में आती है, फातिमा का सिलेक्शन हो चुका है, ये भी शॉर्टलिस्टेड हो चुकी है, शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, इसका भी हो गया फातिमा का। अब आइएगा मेरे बच्चे, एक और स्टूडेंट से मिलाते हैं, हैं एक और स्टूडेंट से मिलाते हैं हम, इनका नाम है गरिमा, गरिमा का भी सिलेक्शन हो चुका है, ये भी शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। गरिमा के बाद आप लोग आइएगा नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलिए, इनका नाम है दीपिका सेहरावत, दीपिका सेहरावत, इनका भी सिलेक्शन हो गया। और भी है, और देखिए मेरे बच्चे, मेल कैंडिडेट में हमारे इज्जत को बचाया मोहम्मद, ये ऊपर नहीं जाना, यस, इनका नाम है मोहम्मद आदिल अंसारी, इनका भी सिलेक्शन, मोहम्मद आदिल अंसारी का भी सिलेक्शन हो गया। और भी बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनका इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपको जितने बच्चे का फोटो हमने दिखाया, ये सभी बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के अंदर। इन सभी बच्चे, ये सभी बच्चे हमारे पीजीटी इकोनॉमिक्स में शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो मेरे बच्चे, ये था पीजीटी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट। और देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं बताऊं, आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जी श्रेष्ठा मैं समझ सकता हूं, जी तो जिन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी कारण से, आप बिल्कुल डिस्करेज मत हो। देखो कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, जिनका 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरे बच्चे, आज देखिए आप फातिमा, फातिमा जी,
फातिमा फाइनल कटअप बढ़ेगा नहीं, फाइनल कटअप में नहीं बढ़ेगा, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल यही रहेगा। देखो बेटे प्रवीण सिंह जी, मैं बताऊं, जो फाइनल कटअप आता है, जो फाइनल रिजल्ट बेसिकली क्या होता है कि जो आपका रिजल्ट आएगा, जितने लोगों को इडोजियर के लिए कहा गया, इडोजियर के लिए भरा गया, इडोजियर भरने के लिए कहा गया है मेरे बच्चे, तो उसमें मार्क्स का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है। बस अनीता, बहुत ही जल्द आप लोग का भी रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्द आप लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। और मैं उन सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चे का भी सिलेक्शन सर, मुझे तो सोशोलॉजी का फाइनल कटअप देखकर बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल फातिमा, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। तो मेरे बच्चे, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल सिलेक्शन आपको मिलेगा, बिकॉज जी निशा भारद्वाज जी, आगे की जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे अपने इडोजियर कंप्लीट करें, और जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इन सभी को मैं बोलूँगा कि आप अपनी इडोजियर कंप्लीट करें, और इडोजियर कंप्लीट करने के बाद फाइनल कट ऑफ का वेट करें। और जो भी बच्चे हमारे किसी भी कारण से जी आ गई, नमिता सोलंकी जी, देखो नमिता सोलंकी आ गई हैं, आप लोग इनसे मिठाई मांग लो सभी बच्चे। नमिता सोलंकी जो है, अच्छा मैं ज्वाइनिंग के बाद कर खाओगे, पहले नहीं खाओगे बेटा। जो भी बच्चे का शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और जिन बच्चों का भी सिलेक्शन किसी भी कारण से नहीं हुआ, जिन बच्चों का बेटे सिलेक्शन किसी भी कारण से नहीं हुआ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आप फिर से मेहनत करो, फिर से लग जाओ। आपका भी सिलेक्शन होगा। तो एक बार मेरे बच्चे, सभी बच्चे आज देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, और जिन बच्चों का 2-3 मार्क्स से रह गया है उनका बहुत बैड लक रहा, लेकिन आप बिल्कुल डिस्करेज मत होइए, नेक्स्ट वैकेंसी भी आएगी मेरे बच्चे, नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाला है, और अभी फ़िलहाल KVS की वैकेंसी आने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे फिर से लग जाइए, फिर से स्टार्ट हो चुका क्लासेस। तो एक बार मोटिवेशन के साथ आप लोग फिर से मेहनत करिए, जिन बच्चे, जो भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो गए। देखिए गरिमा, मैं फाइनल कटऑफ जो है, मैंने आपको बताया कटऑफ तो डिसाइड हो चुका है, कटअप तो डिसाइड हो चुका है। बेसिकली क्या है, ई डोजियर के बाद फाइनल आएगा, और जिन बच्चों के भी और जिनको भी DSSB ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, बिल्कुल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा सभी बच्चे। और आज ये मेहनत का रिजल्ट है मेरे बच्चे, कि आप लोगों ने जितनी मेहनत करी उसका रिजल्ट आपने देख लिया, सभी सब्जेक्ट में आपने देख लिया रिजल्ट। तो जो भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, अब आप मोटिवेशन बनाए रखें और थोड़ी सी मेहनत करें, आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा आपका सिलेक्शन, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए,
एक छोटी सी खुशी। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे जितने भी सिलेक्ट हुए हैं या जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को मोटिवेट करिए। अभी सारे रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे ही सारे रिजल्ट आ जाएंगे, आप सभी को यूरेका बुलाया जाएगा मेरे बच्चे, सभी को यूरेका बुलाया जाएगा। यस, नमिता कहती है जो कहते हो वो करके दिखाते हो। बिल्कुल मेरे बच्चे, ये सब आप लोगों का मेहनत है और आप लोगों की मेहनत ने ये सब कुछ किया है। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, किसी भी कारण से शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, आप बिल्कुल मत घबराओ, KVS आने वाला है और भी वैकेंसी आने वाला है, DSSB। बिल्कुल अनीता, हम दोनों की मेहनत है, हम सभी की मेहनत है, स्टूडेंट की भी मेहनत है, हमारा भी मेहनत है, सभी का मेहनत है। और ऐसा रिजल्ट होगा, कभी हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट होगा, इतने बच्चे हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर सभी सब्जेक्ट में हमने सिलेक्शन दिया, सभी सब्जेक्ट के अंदर। तो एक बार सब सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट हो जाने दो मेरे बच्चे, ग्रैंड पार्टी होगा और उसमें आप सभी इनवाइटेड होंगे, सभी बच्चे आएंगे, चाहे वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं जी। तो ये था छोटा सा खुशी जो आपके साथ हमने शेयर किया। हाँ, नवी अनीता कह रही है, नविता पार्टी की तैयारी कर लो। बिल्कुल, सभी बच्चे पार्टी की तैयारी कर लीजिए। अनीता, तुम भी पार्टी की तैयारी कर लो, तुम्हारा भी नाम लेने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला है रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, चलिए बेटा। तो ये था, फिर हम एक नए रिजल्ट के साथ आपके पास आने वाले हैं और वो रिजल्ट बहुत ही जल्द आप सभी के पास आएगा। नेक्स्ट योर टर्न अनीता। बिल्कुल, तो बिल्कुल डरो मत मेरे बच्चे, बिल्कुल डरिए नहीं। सबका से जो भी देखो, लक फैक्टर तो है, लक फैक्टर है। जिन बच्चों का 4-5 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका बैड लक था। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, थोड़ी सी मेहनत करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा PGT इकोनॉमिक्स के अंदर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। दोबारा ज्वाइन करने के लिए, देवकी नंदन जी, दोबारा ज्वाइन करने के लिए आप एक बार मैनेजमेंट से संपर्क कर लीजिए, एक बार मैनेजमेंट से आप संपर्क कर लीजिए, दोबारा एक्टिवेशन हो जाएगा। चलिए बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो एक बार पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। और PGT में सिलेक्शन मेरे बच्चे बहुत ही मुश्किल है जी। प्रिया चौहान जी, प्रिया चौहान करे सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रिया चौहान जी, 15 डे पहले जी। प्रिया, 15 दिन पहले आपने क्लास ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है प्रिया। तो आपका भी रिजल्ट होगा, आप टेंशन ना लीजिए। देखो, हमारा कोई भी बच्चा जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ई डोजियर एंड फाइनल का डिफरेंस कितना हो सकता है? देखो प्रवीण, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0.5, 1.5, मतलब आप ये समझो कि जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ पॉइंट्स में होते हैं।
पॉइंट फाइव पे भी पांच बच्चे होंगे, पॉइंट फाइव पे भी पांच बच्चे होंगे जी। अंकिता, इकोनॉमिक्स की क्लास मेरे बच्चे 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, इकोनॉमिक्स का फिर नया बैच हमें स्टार्ट कर रहे हैं 10 अक्टूबर से, और मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो आपकी मैडम है, इकोनॉमिक्स की मैडम है, उनको एक डॉटर हुआ है, तो आपके इकोनॉमिक्स की मैडम को आपके रिजल्ट में डॉटर गिफ्ट में मिला है, और आपकी मैडम 10 तारीख से फिर से इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रही है। तो मैडम ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया आपकी, पलक मैडम ने जी। श्रेष्ठा जी, इकोनॉमिक्स की क्लास बिल्कुल बेटा 10 अक्टूबर से, 10 अक्टूबर से बिल्कुल। देखो नमिता ने तो आप लोगों की तरफ से पलक मैडम को एक सुंदर सी बिटिया गिफ्ट में मिली है जी। तो मेरे बच्चे, आप सभी ने गिफ्ट दे दिया मैडम को, और आप लोगों का सिलेक्शन। ये पलक मैडम का फोटो क्यों नहीं लगाया इसने, ये कहीं नहीं लगाया ना, पागल है एकदम बिल्कुल। चलिए बेटा, तो मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट रिजल्ट के साथ, फिर एक नए रिजल्ट में। एक मिनट रुकना, हमारे फातिमा, मैं तुम्हें बताऊं, सेफ जोन में है हमारे फातिमा, हमारे सभी बच्चे सेफ जोन में हैं। अक्षिता, यक्षिता, नमिता का सिलेक्शन हुआ है क्या? कंग्रेचुलेशन नमिता मैडम, तुम्हारा इतना नाम लेती लेती कि तुम छा गई हो। यक्षिता बिल्कुल बिल्कुल, नमिता का सिलेक्शन हो गया, नमिता का सिलेक्शन हो गया मेरे बच्चे। और फातिमा बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, सभी सेफ जोन में, हमारे बच्चे सभी सेफ जोन में हैं, सबका सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा जैसा मेरा परसेप्शन है। तो मेरे बच्चे, ये था एक छोटी सी खुशखबरी, दो खुशखबरी आपको देनी थी। एक तो आपका पलक मैडम ने आपका सिलेक्शन करवा दिया, और आप लोगों की तरफ से पलक मैडम को एक बेटी गिफ्ट में मिल गई। ठीक है मेरे बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नए रिजल्ट के साथ, और फिर एक नया रिजल्ट आने वाला है मेरे बच्चे, और उसमें फिर हमारा सिलेक्शन हमारे बच्चों का होगा, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट नए रिजल्ट के साथ। थैंक यू बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।